पेट्रोल जब से 100 रुपये हुआ है उसके बाद से इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे देश के अंदर। पेट्रोल लोगों की ख़त्म हो रही है, पेट्रोल का प्रेशर पड़ रहा है, रास्ते में दिक्कत आ रही है। 70, 75, 50, 60 रुपये कभी पेट्रोल हुआ करता था, क्या उस रेशियो में हमारी इनकम बढ़ी है जिस रेशियो में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं? अब ये बेचारे पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गए, अब खींच के ले जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर, शेल पेट्रोल पंप 100+ इस समय पेट्रोल चल रहा है मार्केट में। और एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पेट्रोल 100 रुपये है तो उसमें से लगभग 35 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, 35 रुपये स्टेट गवर्नमेंट लेती है और सिर्फ 30 रुपये हमारा प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट सब कुछ मिल रही है। तो पेट्रोल हार्डली होना चाहिए देश में 35 रुपये 40 रुपये, लेकिन राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार इन सब की मिली भगत है कि आम इंसान को परेशान करो। क्या कर सकते हैं, पेट्रोल आप कितना ही महंगा कर दीजिए, आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश का रेवेन्यू पेट्रोल से आता है या जो इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, तो ये सब बहुत बड़ी भूल है सरकारों की। और भी तरीके हैं, और भी मेथड्स हैं जहाँ से हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत पेट्रोल से ही है सरकारों को। कांग्रेस, गांधी खानदान वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन उनके किस जहाँ भी उनकी सरकारें रही हैं, न पहले न अब, जो ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है उसको बिल्कुल कम नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उम्मीद करना ही बेकार है। हम मोदी के फैन जरूर हैं लेकिन मोदी भक्त नहीं है। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर विचार हो सकता है। कितना ही पेट्रोल आप बढ़ा दीजिए लेकिन देश के अंदर घाटा ऐसे ही रहेगा। चीज़ें आप कितने भी पेट्रोल के और भी प्रोसेस हैं जिनको हम ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन इस पर आप मुझे इस समय देख रहे हैं अहमदाबाद से, प्रहलाद नगर गार्डन के आसपास से। साथ में आप शाम का नज़ारा भी देखिए, ट्रैफिक, आम लोग जो ऑफिस से घर आ रहे हैं। शानदार पानी पूरी, तो हम एक बार फिर से हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, मुख्य विषय पर। जैसा मैंने कहा, रिसर्च के माध्यम से पता किया है और बहुत ही वैलिडेटेड रिसर्च है, अगर 100 रुपये पेट्रोल है तो 35 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं और लगभग उतने ही रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं रेवेन्यू के रूप में। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या ड्यूटी लगा रखी है, और ये पेट्रोल हार्डली है 30 रुपये का, 32 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं है। इसको अगर हम चाहें मैनेजमेंट के आधार पर इनको हम ठीक कर सकते हैं। और एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसको हम GST बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स। लेकिन बड़ी समझदारी से पेट्रोल को, फ्यूल्स को इससे बाहर रखा गया है। देखिए चालाकी और नौटंकी, एक ही नंबर, एक ही मोबाइल, नो रोमिंग, अच्छी बात है। तो फिर ये भाई पेट्रोल के दाम हम GST में क्यों नहीं ला सकते हैं? मारुति नंदन, शानदार रेस्टोरेंट तैयार है अपनी मेहमान नवाजी करने के लिए। पेंडेमिक ख़त्म हुआ उसके बाद ये रिसेंटली नया शोरूम ओपन हुआ है बाटा का।
कुछ नए युवाओं को नौकरी मिली है और नौकरी का सृजन हुआ है जो कि आवश्यकता भी थी। ICICI बैंक का मैं कभी फ़ैन हुआ करता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स बहुत बढ़ गए हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स अर्थात ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, वो कुछ ऐसा क्राइम करते हैं जिससे सरकार को मूर्ख बना सके और सरकार को बेवकूफ़ बनाकर हम लूट सकें देश को, वो कुछ ऐसा काम करते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था कभी चंदा कोचर का, जो ICICI बैंक की सबसे बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन चंदा कोचर ने ऐसे घोटाले किए अपने पति के साथ मिलकर, वीडियो कॉन के मालिक के साथ मिलकर, कि देश को दुनिया भर का करोड़ों रुपये का चूना लगा दिया। एक बार फिर से देखिए ICICI बैंक। और ख़ास बात ये होती है वाइट कलर क्रिमिनल्स की, ये बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। हमसे अखबार भरे जाते रहेंगे, मीडिया में आवाज़ होती रहेगी, लेकिन आप अखबार आप उठा के देख लीजिए इतिहास को, कितने बड़े लोग हैं जो ऊंचे पदों पर रहे हैं, जो जेल की हवा खा रहे हैं, 0.2, 0.5 इतना परसेंट भी नहीं है। सब बड़े बड़े क्रिमिनल्स आराम से बेल ले लेते हैं, और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान 10,000 रुपये का कर्ज भी समय पर नहीं दे पाता है तो उसके घर में रेड मारी जाती है, उसकी बाइक या कार उसको इनक्रोच किया जाता है, दबाव डाला जाता है। लेकिन अरबों रुपये लूटने वाले, चाहे वो किंगफिशर का मालिक हो, विजय माल्या, आराम से विदेश में घूम रहे हैं। ये बीकानेर वाला एक और फेमस ब्रांड, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है शाम के समय, बहुत मशहूर ब्रांड है जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन क्यूजींस के लिए, इंडियन स्नैक्स के लिए। और ये देखिए जीना तो अब इसके साथ होगा, हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। कोरोना है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ बंद कर दें, किस तरह के मेथड्स की हमें आवश्यकता है जिससे हमारा जीवन सही रास्ते पर चल सके। जिम लॉन्स एक बहुत ही प्रीमियम रेंज का जिम है, फर्स्ट फ्लोर पर जिम लॉन्स। एक बार फिर से मैं बाटा शोरूम की तरफ आ रहा हूँ, इसका मुख्य कारण है इस शोरूम ने हाल ही में शुरुआत की है और कुछ नौकरियों का सृजन हुआ है, तो हम इस तरह जिसने भी ये फ्रेंचाइजी ली है प्रहलाद नगर में किरण सर्कल के पास, उन सब का आभार, क्योंकि उनके माध्यम से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। कि इनका ये रिसेंट ऑफर इस समय अवेलेबल है, 100% कैश बैक शॉप फॉर 2,500, गेट बैक 2,500 कैश बैक। HDFC बैंक फेस्टिव ट्रीट, 7.5% कैश बैक ऑन HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड EMI। व्हाट एल्स, एंड हियर अगेन वी कैन ऑब्जर्व दैट इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, प्लीज सैनिटाइज योर हैंड्स बिफोर एंट्रिंग। कृपया करके अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए एंटर करने से पहले। एक इंडिया की इमर्जिंग ब्रांड अक्रॉस इंडिया फेमस हो रही है, फ्लफी नोज। फ्लफी नोज पिज़्ज़ा, साथ में शाम का नज़ारा लीजिए।
रिलायंस डिजिटल। लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ये बहुत ही फेमस शोरूम है इस रोड पर। ये प्रहलाद नगर किरण सर्किल, यहाँ पर आप वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, गिफ्ट के लिए। फिर उसी मुख्य मुद्दे पर आते हैं, यदि हम अपने देश में करप्शन को रोक पाएँ, जो देश के लुटेरे रहे हैं उनको रोक पाएँ, तो डेफिनेटली पेट्रोल जो जैसा मैंने कहा लगभग 70% टैक्सेस एंड रेवेन्यू जनरेशन में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो डेफिनेटली 30-35 रुपये पेट्रोल अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सरकारें इस पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऊँची ऊँची पोस्ट पर बैठे हैं उसमें चाहे कांग्रेस रही हो पहले जिसने जम के देश को लूटा, चाहे ये बीजेपी हो, फ़र्क इतना ही है कि एक बहुत बड़े चोर थे, ये छोटे चोर हैं। अगर आप लेयर्स में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कुछ बिंदुओं में स्वीपिंग चेंजेस की आवश्यकता है। टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया HDFC बैंक, जॉन सैलून, खासी मसाला, नहीं दिया हुआ था तो बात छा, राजदीप दे कुलचे, अगेन कमिंग बैक टू द पावर इश्यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मैंडेट, देयर फील पावर। इट्स वेरी मच पॉसिबल टू रिड्यूस पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, एज आई टोल्ड यू मेजॉरिटी ऑफ द प्राइस इज बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस। If we reduce taxes, definitely it will come down to around 32-34 rupees per liter. But who will take the revolutionary step? That is the main question. हम मोदी के फैन जरूर हैं, लेकिन मोदी भक्त नहीं हैं। बात जब देश की आएगी तो संदेश दिया जाएगा और बात को कहा जाएगा और डंके की चोट पर कहा जाएगा। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। साथियों।